दशहरा रैली के बाद अब नवरात्र को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट में ठनी। कल्याण में नवरात्र उत्सव के लिए दोनों गुटों ने मांगी प्रशासन से अनुमति। जी हां, महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के अधिकार और शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली को लेकर जहां पेच फंसा हुआ है, वहीं मुंबई से सटे कल्याण में भी नवरात्र उत्सव को लेकर शिवसेना और शिंदे गुट अब आमने सामने हो गए हैं। गौर करने वाली बात है कि कल्याण के ऐतिहासिक दुगाड़ी किले पर पिछले 54 सालों से शिवसेना की तरफ से नवरात्र उत्सव मनाया जाता है और उल्लेखनीय बात है कि इस उत्सव की सारी जिम्मेदारी शिवसेना के कल्याण शहर प्रमुख के हाथों में होती है। कल्याण गांव का जो नवरात्र उत्सव है वो बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहा है, तो एक गांव के उत्सव की तरह देखा जाता है और गए 7 साल से मैं ही अध्यक्ष था, मैं ही वो उत्सव देख रहा था, हैंडल कर रहा था। चूंकि अब शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है, इसलिए नवरात्र उत्सव कौन मनाएगा इस बात को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट में एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है। दरअसल दुगाड़ी किले पर नवरात्र उत्सव मनाने के लिए ठाकरे गुट और शिंदे गुट दोनों की तरफ से जिला अधिकारी को पत्र लिखकर नवरात्र उत्सव का आयोजन करने की अनुमति मांगी गई। तो अभी भी मैंने सोचा कि बाबा चलो नवरात्र आ रहे तो देवी की सेवा करने को मिलेगी, इसके लिए मैंने भी कलेक्टर के साथ अर्जी दी है कि बाबा ये नवरात्र की सेवा मेरे को मिले। और मेरे को आप पत्रकारों से मालूम हुआ कि शायद जो शहर प्रमुख है सचिन बासरे वो भी अर्जी किया हुआ है, अभी कलेक्टर जिसको परमिशन देंगे दोनों में से वो उत्सव करेगा। वो शासन की तरफ से अनुमति किसे मिलेगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन दशहरा रैली के बाद नवरात्र उत्सव को लेकर जो नया बवाल खड़ा हुआ है उससे कल्याण में शिंदे गुट और शिवसेना में विवाद बढ़ने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। अभी क्या मालूम क्या किसी जगह पे वो शिंदे गुट आप लोगों ने नाम रखा है, सही में तो हम शिवसेना के ही लोग हैं ऐसा, और ठाकरे मतलब उद्धव जी ठाकरे उनके जो शिवसैनिक आपस में भिड़ते हैं वो भिड़ाने वाले तो राष्ट्रवादी वाले और कांग्रेस वाले हैं, आपस में हम लोग तो झगड़ते नहीं है, यही लोग आग में तेल डालते हैं राष्ट्रवादी वाले कांग्रेस वाले और झगड़ा लगा देते हैं, उनका काम ही वही है, तो सत्ता गई है ना तो उनके पाँव के नीचे से जमीन सरक गई है उनके। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी, अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए, हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।